आज ही कक्षा में देखेंगे कलर अप कक्षा 3 से पाठ। सभी बच्चे अपने अपनी कक्षा 3 वाले किताब खोल लेंगे और पाठ निकाल लेंगे। आज का पाठ होगा 20। आज का पाठ 20 है और नाम जो शीर्षक है पाठ का वो भारत है मेरा घर। तो ये कब का है इसको देखेंगे, भारत है मेरा घर। सभी बच्चे पढ़ेंगे साथ साथ। और किसी ने भी, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए। पढ़ते हैं पाठ। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़। रानी बिटिया है जो घूमने निकली है आज घर से अपने, तो घूम रही है अपने घर में, तो दिल्ली से आगे बढ़े यानी दिल्ली से आगे निकल गई और चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। दिल्ली से आगे निकल के कहाँ पहुंच गई? चंडीगढ़ पहुंच गई। फिर क्या हुआ? जयपुर से, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। अब घर आ गई, उसके बाद माँ ने क्या सवाल किया वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। माँ ने पूछा, रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? तो बिटिया ने उत्तर उत्तर दिया, या बिटिया बोली, कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। बिटिया ने क्या कहा? कि मैं घर के अंदर ही थी। उसके बाद क्या हुआ? माँ कहती है, घर के अंदर रानी बिटिया, घर के अंदर रानी बिटिया, ऐसा झूठ सरासर। तो झूठ क्यों बोल रही हो? तो झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। तो ये भारत पूरा मेरा घर है, मैं इस अपने घर में ही थी। तो इसके लेखक जो हैं वो है निरंकार देव सेवक। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है निरंकार देव सेवक द्वारा ये कविता लिखी गई है। अब आता है इसका अभ्यास कार्य। सभी बच्चे अपने अपने अभ्यास कार्य शुरू करेंगे कॉपी पे। तो पहला प्रश्न है, रानी बिटिया कहाँ से चली थी? तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा, रानी बिटिया दिल्ली से चली थी। कहाँ चली थी? दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर के पहले वह कहाँ कहाँ गई थी? तो रामेश्वर से पहले वह चंडीगढ़ और जयपुर गई थी। माँ ने रानी बिटिया से क्या पूछा? रानी बिटिया से पूछा, कहाँ गई थी बाहर? माँ ने पूछा, रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? बिटिया ने बाहर जाने को घर के अंदर क्यों कहा? क्योंकि भारत ही पूरा हमारा घर है। अब ऐसे ही ये सब देख रहे हैं आप। प्रश्न दूसरा, एक जैसे तुक वाले नगरों के जोड़े बनाएं, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ की तरह दूसरा कोई है तो ये है बल्लभगढ़, ये जिसका जोड़ा बना देंगे, कॉपी उतार लेंगे। जैसे जयपुर है तो जयपुर का ये जयपुर बन जाएगा, मुरादाबाद यानी फिरोजाबाद, मुंबई का चेन्नई। ये बहुत आसान है, बना लेंगे सब बच्चे कॉपी किताब पे बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? कड़ा। कड़ा का मतलब क्या होता है? कड़ा का होता है सॉफ्ट, मुलायम। झूठ का उल्टा क्या पढ़ेंगे हम? सत्य। आग का उल्टा क्या पढ़ेंगे? पानी। संतोष का उल्टा असंतोष। तो ये था पाठ, यहीं तक।